नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंडला के बिचिया थाने क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरही में 1 फरवरी को कान्हा फॉरेस्ट रिसोर्ट में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी सूचना पर बिचिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई और मंडला से FSL टीम को भी जांच के लिए बुलवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने शॉर्ट PM रिपोर्ट में बताया कि मौत चोट लगने से हुई है। बिचिया पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक गोलू उर्फ दीपक और बंटा उर्फ हरीश और महेंद्र के साथ 31 जनवरी को शाम 7 बजे म्यूजिक सिस्टम चालू कर शराब पीकर डांस कर रहे थे। तभी ग्लास टूटने की बात पर महेंद्र द्वारा मृतक गोलू उर्फ दीपक को धक्का देने से गिरने पर उल्टी होने के बाद बेहोशी की हालत में उठाकर बिस्तर पर सुला दिया था और मौके से भाग गए थे, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 31/1 को ये घटना घटी थी कान्हा फॉरेस्ट रिजोर्ट सही मंडला बिछिया थाने के अंतर्गत। यहाँ पास जो पाया गया था बॉडी जो है उसमें इनकी मिली भगत थी आपस में, ये शराब पी करके जो डांस वांस कर रहे थे उस दौरान ये घटना घटी थी। और इसमें पुलिस ने जो FSL के आधार पर और PM रिपोर्ट के आधार पर ये 2 आरोपी बनाया, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें केस में आगे अनुसंधान जारी है।